हे गाइज, आज हम कुछ इस टाइप का सनलाइट फोटो एडिटिंग करना सिखाएंगे। आप भी करना चाहते हो तो वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिक्सआर्ट के अंदर एक फोटो को ऐड करना है, जिस फोटो को हम एडिट करेंगे। फोटो हमारा ऐड हो गया। पहले फोटो का लाइट को एडजस्ट कर देंगे। टूल्स में जाना है, उसके बाद एडजस्ट में जाके लाइट को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, लाइट्स हमारा एडजस्ट हो गया। अभी राइट का ऊपर क्लिक कर देंगे। फोटो का बिफोर आफ्टर देख सकते हो, थोड़ा लाइट एडजस्ट हो गया। अभी क्या करना है, एक सनलाइट पीएनजी को ऐड करेंगे एड फोटो में जाकर। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो सनलाइट पीएनजी ऐड हो गया। सनलाइट पीएनजी को ऐसे जूम करके साइड में रख देंगे, पूरा अच्छे से सेट करना है। ठीक है दोस्तों, सनलाइट पीएनजी को अच्छे से सेट करने के बाद ब्लेंडिंग का ऊपर जाएंगे। अभी क्या करना है, सनलाइट पीएनजी को ऐड में रख देंगे। ठीक है, अभी सनलाइट पीएनजी को देखो, ज्यादा लाइट दिख रहा है। पूरा अच्छे से सनलाइट पीएनजी को सेट करेंगे। उसके बाद राइट का ऊपर डन। अभी शैडो बनाएंगे ड्रॉ टूल में जाकर। ठीक है दोस्तों, ड्रॉ टूल्स में फोटो हमारा आ गया। अभी लेयर पैनल में जाके एक एम्प्टी लेयर बनाएंगे। उसके बाद कलर में जाके ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है। अभी ब्रश में जाके हार्डनेस को 1% कर देंगे, ज्यूमिलिटी को ऊपर टिक कर देंगे। ठीक है, ओपेसिटी को 14% रख देंगे और साइज को पूरा फुल बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेट। अभी क्या करना है, फोटो को ऐसे छोटा साइज कर देंगे। उसके बाद फोटो का ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा पेंट करना है। देख सकते हो ब्लैक कलर का शैडो आ रहा है। दोनों साइड में से थोड़ा थोड़ा पेंट कर देंगे। अभी क्या करना है, पहले इरेजर में जाके साइज ओपेसिटी को एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद ब्लैक कलर का शैडो को ऐसे थोड़ा थोड़ा इरेज कर देंगे, जैसे पूरा रियल लगेगा ऐसे ही करेंगे। ये होने के बाद फिर से लेयर पैनल में जाके और एक एम्प्टी लेयर बनाएंगे। अभी क्या करना है, फोटो का ऊपर डॉज एंड बर्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से कलर में जाएंगे। उसके बाद ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके ऑरेंज कलर को थोड़ा फेड रखेंगे। ठीक है, ये होने के बाद ब्रश में जाएंगे, साइज और ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देंगे। उसके बाद फोटो को ऐसे पूरा जूम करके फिर से लेयर पैनल में जाना है। उसके बाद ये एरो का ऊपर क्लिक करके ऐड में रख देंगे। ठीक है, उसके बाद फोटो का ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा पेंट करना है, जहां जहां भी लाइट को अप्लाई करना है। देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, जहां जहां भी लाइट आ रहा है ऐसे थोड़ा थोड़ा पेंट कर देना है। ये हो गया। आई मैं दिखा रहा हूँ बिफोर आफ्टर, डॉजेंट बॉर्न करने के बाद फोटो हमारा कैसा लग रहा है देख सकते हो। अभी फोटो को सेव कर देंगे गैलरी में। अभी क्या करना है, उस फोटो को लाइट रूम के अंदर ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद फोटो का लाइट को थोड़ा एडजस्ट करेंगे लाइट में जाके। लाइट का एडजस्ट थोड़ा हो गया। अभी कलर में जाएंगे, टैप को रखना है +9। ये होने के बाद मिक्स के अंदर जाएंगे। अभी ध्यान से देखो, येलो कलर का सेचुरेशन को -100 और लुमिनेंस को +100 रखना है। ठीक है, ऐसा ही करना है ग्रीन कलर और स्काई कलर को भी। प्रोपोल और पिंक कलर का सेचुरेशन को -100 कर देंगे। ठीक है, ये होने के बाद ऑरेंज कलर में जाके फेस को थोड़ा व्हाइट कर देंगे, लुमिनेंस को बढ़ाएंगे प्लस का साइड, इतना रखना है। उसके बाद सेचुरेशन को माइनस का साइड लेंगे थोड़ा, -9 के आसपास। उसके बाद डन। अभी जाएंगे ग्रेडिंग के अंदर,
शैडोज को पहले एडजस्ट करेंगे, ये एरो का ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद सेचुरेशन को बढ़ाएंगे प्लस का साइड, इतना रखना है। हुए को भी देखते हैं, इतना रखना है। ठीक है दोस्तों, अभी जाएंगे सिलेक्टिव टूल के अंदर, प्लस में जाके लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ऐसे पूरा स्ट्रेट ग्रेडियंट ले लेंगे, पूरा साइड में रखेंगे। ठीक है, ये होने के बाद लाइट में जाके एक्सपोजर को माइनस का साइड लेंगे, देखो कैसे डार्क हो रहा है साइड में। इफेक्ट्स के अंदर जाके क्लैरिटी को भी थोड़ा बढ़ाएंगे, इतना रखना है। ये हो गया, अभी राइट का ऊपर क्लिक कर देंगे, फोटो का बिफोर आफ्टर देख सकते हो, अभी पूरा फोटो का क्लैरिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, इफेक्ट्स के अंदर जाना है, क्लैरिटी को बढ़ाएंगे, इतना रखना है। ठीक है, उसके बाद लाइट में जाके क्रॉप टूल में जाना है, क्रॉप टूल में भी एडजस्ट हो गया, उसके बाद डन, फोटो हमारा पूरा कंप्लीट एडिट हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, देख सकते हो फोटो को कितना अच्छा लग रहा है। अभी फोटो को सेव कर देंगे गैलरी में, ऑप्टिक के अंदर जाके लेंस प्रोफाइल और रिमूव कमांड को अनेबल कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस, फोटो हमारा सेव हो गया गैलरी में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।